ग्रिल सैंडविच, टोस्ट सैंडविच तो आप सबने बहुत खाई होगी। आज मैं आपको खिलाने वाला हूँ कुलचे सैंडविच। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आ चुका हूँ एक ऑथेंटिक सैंडविच खिलाने के लिए। ये देखिए, यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है सैंडविच बनने की। यहाँ पे भैया कॉर्न को छीले जा रहे हैं, एकदम फ्रेश फ्रेश सब कुछ बनाते हैं यहाँ पे। जो भी चीज़ यहाँ पे कटिंग करेंगे आपके सामने एकदम फ्रेश होंगे, जितने भी वेजिटेबल्स इसके अंदर पड़ेंगे। आप देखिए यहाँ पे कॉर्न को ऐसे कटिंग की जा रही है, कॉर्न की कटिंग देख सकते हो आप इसे, ये नाइफ से कितने धार तरीके से करे जा रहे हैं एकदम फटाफट। अब देखिए यहाँ पे कैप्सिकम की कटिंग हो जा रही है सर्कल सर्कल में एकदम। अब देखिए यहाँ पे राउंड राउंड में ऑनियन भी कटिंग करे जा रहे हैं, 5 से 6 पीस यहाँ के ऑनियन के भी कट करेंगे। अब देखिए इसको यहाँ पे ग्रिल करने के लिए रखते सबसे पहले यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर बटर भी लगाए जा रहे हैं, एकदम अच्छे से बटर लगाएंगे यहाँ पे, कोई कंजूसी नहीं करेंगे इसके अंदर बटर लगाने में। ये देखिए एकदम चारों तरीके से एकदम अच्छे से मिक्स कर दिया बटर के अंदर। अब देखिए यहाँ पे ये ग्रिल हो चुका है बढ़िया एकदम। अब इसको निकाल लेंगे हम एक प्लेट के अंदर, प्लेट के अंदर निकाल लेंगे पूरा। अब देखिए यहाँ पे हमारा आ गया ये कुलचे। अब इस कुलचे, दो कुलचे हैं, इसको हमें चार करना है, तो इसको हम कट कर लेंगे अभी। ये ऊपर और नीचे का बेस हो गया हमारा। ये देखिए दोनों कुलचे को कट कर लिया भैया ने एकदम। अब इसके अंदर आएगा बटर, यहाँ पे बटर तो सबके अंदर लगेंगे, वो भी एकदम बढ़िया भर भर के। अब देखिए इसके अंदर डाल रहे चटनी, अभी आ गया मेयोनीज भी डाल दिया। अब दोनों को कर लेंगे हम मिक्स, एकदम बढ़िया तरीके से इसको मिक्स करेंगे सब जगह, पूरा ब्रेड के अंदर एकदम चटनी लगी जाएगी, लाल और वाइट हो जाएगी। अब इसके अंदर थोड़ा मसाला डाला जा रहा है, अब उसको कर लेंगे थोड़ा मिक्स, अपने हाथों से मिक्स कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे इसकी बेस तैयार की जा रही है वो कैप्सिकम के साथ में। अब उसके ऊपर आएगा कॉर्न और ऑनियन आ जाएगा, अब उसके ऊपर वापस से आ जाएगा चीज़, थोड़े ये चीज़ डाले जा रहे हैं इसके ऊपर, कितने भर के डाले जा रहे हैं चीज़। ये तो कुलचे सैंडविच तो पूरी चीज़ सैंडविच हो जा रही है ये। अब उसके ऊपर आएगा थोड़े से टमाटर के पीसेस, ये 4 स्लाइस टमाटर काट दिए भैया ने और इसके ऊपर ऐसे बिछा दिए, और फिर उसके ऊपर आ गया इनका चाट मसाला। अब ये हमारा सैंडविच तो रेडी हो चुका है, अब इसको डालेंगे हम ग्रिल के लिए। ये देखिए भैया ने यहाँ पे डाल दिया ग्रिल के लिए, ये थोड़ी देर इन्होंने बोला हमें 3 से 4 मिनट लगेंगे, और उसके अंदर बीच में बटर भी लगाए जाएंगे ताकि ये जल ना जाए। और उसके देखिए ये यहाँ पर गैस निकलने के लिए बनाया जा रहा है, भाप निकल जाएगा उसका। तो देखिए हमारा ये रेडी हो चुका है ये, अभी इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए कटिंग किए जा रहे हैं, यहाँ पे भैया ने कट कर दिया इसको दोनों को। अब इसको अंदर प्लेट में लेके जाएंगे और उसके अंदर ये डालेंगे, बटर लगा दिए। आप देख कितना बटर लगाया जा रहा है यहाँ पे, ग्रीन चटनी आ गई, ये इनकी अदरक लहसुन की चटनी। तो अब हम इसे ट्राई करेंगे, ये देखिए इसके अंदर की स्टफिंग। तो अगर आपको ये ट्राई करना है तो आपको आना पड़ेगा जावेरी बाजार की खाऊ गली में।